हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज एक फाउंडेशन रिव्यू करने वाली हूँ जो कि पैक कंपनी का है, पैक फाउंडेशन। आई एम इन द शेड 2.1, तो मैं 2.1 शेड का रिव्यू देने वाली हूँ। तो फाउंडेशन ख़रीदने से पहले मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछ लिया था कि मैं कौन सा फाउंडेशन ख़रीदूं जो कि अफोर्डेबल भी हो और मेरे स्किन टोन पर भी जाए, मैच हो जाए। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यू गो विथ पैक फाउंडेशन। एंड मुझे शेड का आइडिया नहीं है मेरे, तो मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट किया है 2.1, जो कि अगर हम जब ऑनलाइन परचेज करते हैं वहाँ अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद 2.1 थोड़ा फेयर हो सकता है, बट जब ये आया है फाउंडेशन तो देखकर इतना तो नहीं लग रहा है, टेस्ट करने पे समझ में आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में हमें मिलता है फाउंडेशन, जो कि एक ग्लास कंटेनर में आता है एंड इट हैज़ अ पम्प, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। उसमें ये साथ में सेफ्टी के लिए कवर दिया हुआ है ताकि आपका फाउंडेशन लीक ना हो, एंड इट कम्स विद अ स्टैंड लाइक दिस, तो आप इसे कैसे भी रख सकते हो। और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। मैं कब से ट्राई कर रही थी, ये पंप आउट हो ही नहीं रहा था। मुझे लगा ख़राब तो नहीं है, बट देन मैंने ये ट्राई किया, ऊपर ऐसे एरोमार्क दिया हुआ है, आपको ट्विस्ट करना होता है देन वो प्रोडक्ट बाहर आएगा, सो ये ध्यान रखना। मैं अभी एक पैच टेस्ट कर रही हूँ अपने हाथ पर। एक्चुअली हाथ पर नहीं करना चाहिए, हमारा स्किन का टेक्सचर कलर अपने हाथ से डिफरेंट होता है, मैच नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पर मैं अपने फ़िलहाल हाथ में चेक कर रही हूँ सबसे पहले। तो हाथ में देख के तो लग रहा है कि ये बहुत ही ब्राइट है, लेकिन इसे आप प्रॉपर ब्लेंड करोगे तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई ऑन फेस। यहाँ पर मैं दो फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पैक 2.1 शायद थोड़ा सा फेयर हो सकता है। तो फॉर अ सेफर साइड मैं एक थोड़ा डार्कर शेड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और मैंने अपना फेस कंसील कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद ही मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। और यही सही तरीका होता है, पहले आप मॉइस्चराइज कर लीजिए, देन कंसील करो एंड देन अप्लाई द फाउंडेशन। नाउ आई एम ब्लेंडिंग विद डैम ब्यूटी ब्लेंडर। सी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बहुत फेयर लग रहा हो, एकदम नेचुरल बेस लग रहा है फाउंडेशन बेस। मैं एक और पंप यूज़ करने वाली हूँ एंड आई विल हाईलाइट माई एरियाज़ विद दिस 2.1 शेड। आई एम हाईलाइटिंग माई अंडर आई एरिया, देन द टी जोन। टी जोन मीन्स योर फोरहेड, नोज एंड चिन एंड ऑल्सो जॉ लाइन एरिया। So I have done with the foundation and it is giving just a natural base on my skin, which is quite good, and it is giving a full coverage on my skin. Nice foundation. Now I am setting this foundation with this powder. I have contoured my cheeks, highlighting my nose. Now, best way to apply blusher is using lipstick. I love using lipstick. It's up to you. You can use any blusher you want, a powder blusher or a cream blusher. I'm done with my eyebrows. I'm done with the base and now it's time for lipstick. And I generally love using and mixing two colors. I first use nude color, which is a base for my lips, and then you can use any color, like any dark color on your lips. I'm done with my makeup. So I'm done with my makeup and here is the final look. Isn't the makeup look amazing?
it just give a natural look on my skin. हेलो गाइज, सो देयर इज अ चेंज इन द वीडियो. जो अभी मैं आपको लुक करके दिखा रही थी, वहाँ पे मैंने दो फाउंडेशन मिक्स किया था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द शेड ऑफ माई फाउंडेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी वो वाइट टोन देगा मेरे फेस को, मे बी मेरा शेड नहीं था क्योंकि वो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मिक्स करके मैं लगाती हूँ और देखते हैं कि कैसा लुक आता है. बट आज मैं उसे सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ और मैंने आज का जो लुक जो क्रिएट किया है वो भी सिंपल ही है बिकॉज मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ हमेशा, बेसिक नॉर्मल. तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना जो पैक 2.1 फाउंडेशन है उसे मैं नॉर्मल ही यूज़ करूँ, मतलब कुछ शेड मिक्स ना करूँ. तो मैंने उसी से आज मेकअप किया है. बट आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल भी वाइट नहीं लग रहा है, लाइक नॉर्मल टोन लग रहा है, मेरे स्किन को मैच कर रहा है, ज़रा भी वाइट टोन नहीं दे रहा है वो, मतलब इट्स जस्ट गिविंग अ नॉर्मल शेड, अ परफेक्ट शेड ऑन माई स्किन. एंड आई थिंक आई कैन सजेस्ट नाउ कि यू कैन गो फॉर पैक 2.1 इफ़ यू हैव अ सिमिलर शेड लाइक मी. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट अ ब्राइटर टोन, इफ यू आर गोइंग टू वेयरिंग ऑफ एनी फंक्शन, यू कैन जस्ट यूज अनदर पम्प ऑफ योर फाउंडेशन एंड दैट्स इट. You can, lastly, you can apply a makeup fixer and here you go. So, I hope you like this video, and if you like it, then please do like, share and comment on my video. Thank you.